मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। माज रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में पिछले कई दिनों से हॉकर्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब एक वीडियो सामने आई है जिसमें हॉकर्स के दो गुटों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक महिला भी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच ये खूनी झड़प जगह को लेकर हुई है। किस्मत से लेकर कादरी कॉलोनी के बीच में धंधा लगाने वाले हॉकर्स के दो गुटों के बीच में ये विवाद हुआ है। एक महिला जो बताया जा रहा है कि वो शिलफाटा से आकर यहाँ धंधा लगाती है और उसके लिए जगह दिलाने के लिए कुछ युवक उसके साथ में थे, और दूसरी तरफ कादरी कॉलोनी के हॉकर्स को जगह दिलाने के लिए उसके साथ में भी कुछ युवक थे, और जगह दिलाने के लिए इन दोनों तरफ से लोगों के बीच में ये भिड़ंत हो गई और एक दूसरे के साथ मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ा कि ये खूनी संघर्ष बन गया था। मगर जिस तरह से मनपा लगातार मुमरा कौसा में हॉकर्स पर कार्रवाई कर रही है और पुलिस भी इन पर गुनाह ना दाखिल करे, इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए और भी जो हॉकर्स हैं वो इनके साथ बैठकर समझौता किए और सुलह इनके बीच में हो गया है। लेकिन जिस तरह से हॉकर्स के बीच दो गुटों में मारपीट हुई है उसकी वीडियो देखें। Yeah,